हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैनन प्रिंटर की डिलीवरी इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्रिंटर को ऑन कर लेना है और यूएसबी केबल को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। आपको प्रिंटर का मॉडल नंबर चेक कर लेना है G2010 और आपको यहां पर सर्च कर देना है कैनन प्रिंटर ड्राइवर G2010। इतना लिखने के बाद आपको सिंपली यहां पर एंटर कर देना है। दोस्तों, आपको फर्स्ट वाली साइट को ओपन कर लेना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। हमारा ड्राइवर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम कुछ देर वेट करेंगे। इसलिए हमारे इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ड्राइवर डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर हम कुछ देर वेट कर लेते हैं और वीडियो को भी हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ड्राइवर हमारा डाउनलोड हो चुका है, सो इन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले को आपको ओपन कर लेना है, यस पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर कुछ देर लोडिंग लेगा। गाइस, आपके सामने फिर पेज ओपन हो जाएगा, यस पे क्लिक कर देना है। फ्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी। यहाँ पर आपको अपना प्रिंटर को ऑन कर लेना है। यूएसबी केबल से आपको अपना प्रिंटर को कनेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर इंस्टॉल में कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पर भी कुछ देर वेट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे। गाइस, फिर से हमारे यहाँ पर डाउनलोडिंग चलेंगे। यहाँ फिर हम कुछ देर वेट करेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। एग्जिट पे क्लिक करेंगे, इसे भी कट करेंगे और इसे भी कट करेंगे। अब हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। अब हम इसका एक प्रिंट आउट लेंगे और अपन ड्राइवर को चेक करेंगे इंस्टॉल हुआ या नहीं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, गाइस ये हमारा प्रिंट आउट निकल चुका है। गाइस, बहुत ही आसानी से आप अपने प्रिंटर के ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना।